गारंटी के साथ भाई तुम पेपर देके आना और इससे मिलाना, गारंटी के साथ भाई मैच नहीं हुआ ना तो जो बोलोगे सो, मैच होना ही भाई 10,000% गारंटी भाई मैच होना ही होना। हेलो इस प्रेम भैया, आज के इस वीडियो में तुम्हारे SST के बोर्ड एग्जाम का पूरा मैप लीक करने वाला है। इस बात की 10,000% गारंटी है भाई कि जो भी मैप तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा इसी वीडियो के अंदर छपने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को मैं पूरी ऑफिशियल सोर्स से लीक कर रहा हूं, CBSE के ऑफिशियल सोर्स से लीक कर रहा हूं। तो इस बात की 10,000% गारंटी भाई इस वीडियो के बाहर से तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में मैप नहीं आ सकता। तुम पेपर मिला लेना, बोर्ड एग्जाम देके आना और पेपर मिलाना इस वीडियो से। इस बात की गारंटी भाई 10,000% गारंटी है, इसी वीडियो से तुम्हारा मैप मिलने वाला, पूरे 5 नंबर तुम्हारे आज के वीडियो में सिक्योर होने वाले। इस बात की 10,000% गारंटी भाई, मैं तो क्लियर कर दूं भाई, ये जो है ये CBSE के ऑफिशियल सोर्स से मैं मैप लिख कर रहा हूं। तो इस बात की गारंटी है भाई कि इससे बाहर तुम्हारा मैप नहीं आएगा। तुम्हारे बुक में करीब करीब 400 मैप है, 400 मैप्स के मतलब पॉइंटर्स है, उसमें से मैं तुम्हें 50-60 दूंगा जो ऑफिशियल सोर्स से मैंने निकाले। और इसमें गारंटी है भाई, 1000% गारंटी ले लो भाई कि मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, आना ही आना, इससे बाहर नहीं आ सकता। मैं क्लियर कर दूं, इससे बाहर मैप आ ही नहीं सकता। तुम आंख मूंद करके इसको करके जाओ, गारंटी है भाई इसी से छपेगा। जो मैं तुमको बता दूंगा वही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में छप जाएगा। गारंटी है, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, इससे बाहर मैप नहीं आ सकता। 1000% गारंटी, 10,000% गारंटी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसके अलावा हमने पूरा SST का पूरा पेपर लिख कर दिया, ये वीडियो तुम्हें दिख रही है, पूरा पेपर हमने लिख कर दिया। SST के पूरे MCQ भी लिख कर दिए, ये वाली वीडियो तुम्हें दिख रही है। तो भाई साहब पूरा सब कुछ लिख कर दिया, मैप भी लिख कर दिया। तो इन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको तुम मत छोड़ना भाई। इससे पेपर डायरेक्ट आने वाला, जैसे तुम्हारा साइंस में पेपर आया था, मैं तुम क्लियर कर दूं, तो इसको तो मत छोड़ना। मैप के लिए भाई मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं, अभी मैं तुमको बोल रहा हूं तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ इस वीडियो को देख लो, यही वीडियो काफी है तुम्हारे मैप के लिए। और मैप कैसे करते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। मैप को बनाया कैसे जाता है, मैप को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है एग्जाम, टोटल चीजें कर दूंगा भाई इस वीडियो में। तुम्हें 50-60 मैप दूंगा, उससे बाहर नहीं आ सकता। इस बात की गारंटी है भाई, 10,000% गारंटी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा मैप अगर कहीं आएगा, क्लियर करो, मैप अगर तुम्हारा कहीं आएगा तो वो तुम्हारा हिस्ट्री से आ रहा होगा। हिस्ट्री से सबसे पहले देखो, मैप तुम्हारा टोटल 5 नंबर का आएगा। 5 नंबर में तुम्हारा क्या होगा, 3 नंबर का तुम्हारा जियोग्राफी से होगा और 2 नंबर का तुम्हारा हिस्ट्री से होगा। 2 नंबर हिस्ट्री में तुम्हारा एक ही आएगा, तो तुम्हारा नेशनलिज्म इन इंडिया, उससे बाहर मैप नहीं आता भाई। पिछले 20 साल से बोर्ड एग्जाम में नेशनलिज्म इन इंडिया से ही मैप आ रहा, वहीं से मैप आ सकता है। उसमें तुम्हारा क्या आएगा, मैं तो गिन के बता रहा हूं पॉइंट, तुम्हें 2 नंबर अभी पक्के कर रहा हूं। और सुनो, तुम्हारे 2 नंबर सबसे पहले कांग्रेस सेशन से तुम्हारा मैप आएगा। इस बात की 10,000% गारंटी है, कांग्रेस सेशन तुम्हारा कलकत्ता, नागपुर या मद्रास सेशन, तीनों में एक तुम्हारा आएगा। जो 1920 तुम्हें कांग्रेस सेशन बोला, 1920 में कलकत्ता में हुआ था, एक नागपुर में हुआ था और एक मद्रास में हुआ था। तो इन तीनों में तुम्हारा कोई आएगा कि 1920 सेशन कहां हुआ था कांग्रेस का, तुम्हें बोला रहेगा कलकत्ता में हुआ था। तुम्हें पॉइंट मार्क किया हुआ रहेगा, तुम्हें ए और बी करके मार्क किया और कहां रहेगा मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये तीनों तुम्हें याद कर लेना, कलकत्ता, नागपुर और मद्रास। अब यहां तुम्हें पॉइंटर मार्क क्या हो रहा है, तुम्हें बताना रहेगा कहां पर है, मतलब ये तीनों तुम्हें याद करना रहेगा, कलकत्ता, नागपुर और मद्रास, ये तीन चीज तुम्हें याद कर लेना। उसका सत्याग्रह मूवमेंट तुम्हारा खेदा, चंपारण और अहमदाबाद मीरवर, ये तुम्हें 3 पॉइंट और याद करने। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जानियावाला बाग तुम्हारा कहां पर हुआ था, और तुम्हारा डांडी मार्च जो तुम्हारा गुजरात में था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा टिक वाला कलकत्ता सेशन वाला और तुम्हारा डांडी मार्च, यही पांचों में तुम्हारा हिस्ट्री का 2 नंबर तुम्हारे यहां पक्के हो गए। गारंटी के साथ भाई तुम पेपर देके आना और इससे मिलाना, गारंटी के साथ भाई मैच नहीं हुआ ना तो जो बोलोगे सो, मैच होना ही भाई 10,000% गारंटी भाई, मैच होना ही होना है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा मैच होने वाला। उसके अलावा तुम्हारा पहले 2 नंबर यहां तुम्हारे फिक्स हो गए, इतना करने पर 2 नंबर फिक्स हो गए, गारंटी के साथ बता रहा हूं भाई। ये डांडी मार्च और कांग्रेस सेशन तुम ध्यान में रखना, उसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या, अगर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से तुम्हारा मैप आने वाला, आइडेंटिफाई मेजर सॉल्ट, इससे मैप कम आता है, क्लियर कर दूं, इससे मैप कम आता है, आइडेंटिफाई करने तुम्हें कम आएगा, लेकिन तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगा। तुम्हें दिमाग कहां लगाना, दिमाग लगाना वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स तुम्हारा क्या आएगा, देखो तुम्हारा सलाल डैम आएगा, पहले सलाल डैम आएगा, उसके बाद तुम्हें बोलेगा भक्का लंगल डैम, फिर तुम्हारा तेहरी आएगा, सलाल इंपॉर्टेंट है जिसमें रेड टिक है वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर तुम्हारा तेहरी, उसके बाद तुम्हारा क्या है राणा प्रताप सागर, फिर तुम्हारा क्या है सरदार सरोवर, उसके बाद तुम्हारा हीराकूट, ये सरदार सरोवर, हीराकूट और तुम्हारा सलाल, ये दोनों इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा नागार्जुना सागर और तुम्हारा तुंगा भद्रा भी इंपॉर्टेंट, इसको भी रेड कर लो। तो तुंगा भद्रा भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट, बहुत बार बोर्ड में आ चुका। तो ये तुम्हारा जो रेड टिक है ना, इसको तुम एकदम देख दिमाग में डालो, ये वाला और तुंगा भद्रा, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेट है, नहीं छपे मिले ऐसा हो नहीं सकता। इस बात की 10,000% गारंटी, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या, उसके एग्रीकल्चर तुम्हारा मेजर एरियाज ऑफ राइट एंड वीट, ये तो मैं पता ही क्वेश्चन में आता है, जनरली मैप में नहीं आता। फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टेट्स ऑफ सुगर केन, टी, कॉफी, रबर एंड जूट, ये तो सारे भी तुम्हें कर लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसका तुम्हारा मिनरल एनर्जी रिसोर्सेस है, इससे मैप उतना ज्यादा नहीं आता पर आता है, मैं तो क्लियर करूँ कहां से आता है, मैं तो क्लियर, पहले थोड़ा हम लोग कलर बदल लेते, कलर थोड़ा सही रहेगा, तो हम लोग रेड कर लेते। ठीक है, रेड में तुम्हारा क्या, आयरन एंड आयरन ओर माइल्स आइडेंटिफाई करने तुम्हें बोलेगा। पहला तुम्हारा क्या, मयूरभंज इंपॉर्ट, फिर तुम्हारा दुर्ग, फिर तुम्हारा बेलालदिया, फिर तुम्हारा बरेली और कुंदेरा मुख। ठीक है, फिर हम लोग आगे आते हैं सेकंड पेज में तुम्हारा क्या, फिर मिनरल एनर्जी, तुम्हारा कोल माइंस तुम्हारा क्या, रानीगंज, फिर तुम्हारा क्या, बोकारो, तिलचर, नेवेली कभी कभी आता है बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद क्या, दिगबोई, फिर तुम्हारा क्या, नहरकटिया, फिर तुम्हारा मुंबई हाई, फिर तुम्हारा बसीन, फिर तुम्हारा कलोल,
फिर तुम्हारा अंक अंकलेश्वर, उसका तुम्हारा लोकेटेड थर्मल प्लांट, तुम्हारा कभी कभी आता है थर्मल प्लांट में भी तुम देख लो तुम्हारा क्या नामरूप, तुम्हारा संगरूली और तुम्हारा रामागुदाम, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा न्यूक्लियर पावर प्लांट सीबीएसई का फेवरेट है, गारंटी के साथ बता रहा हूँ फेवरेट है, सुनो मेरी बात सुन तुम, फेवरेट तुम्हारा न्यूक्लियर पावर, पहला तुम्हारा नौरा होता है, पहला नौरा आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, और तुम्हारा ककरा परा होता है और तारापुर होता है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा काला पक्कम इंपॉर्टेंट है, ई बोर्ड में आता है, ठीक है। उसका तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तुम्हारा कभी कभी क्या क्या आता है मैं तुमको बता रहा हूँ, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तुम्हारा आता है, तो सबसे पहले तुम्हारा जो ए में मुंबई है, बी में तुम्हारा इंदौर वाला कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या सूरत, कानपुर और तुम्हारा कंबोडी, ठीक है। उसमें तुम्हारा क्या आयरन आयरन स्टील प्लांट तुम्हारा कहाँ का है, दुर्गापुर में है, बोकारो में, जमशेदपुर, उसके बाद भिलाई वाला पूछा जाता तुमसे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तुम्हारा, ठीक है। फिर विजयनगर सेलम, उसका तुम्हारा क्या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पर नोएडा वाला सबसे पेट है भाई, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी गारंटी के साथ ले लो भाई, नोएडा सबसे बड़ा 5 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं भाई, नोएडा वाला पेट है, ठीक है, याद तुम्हें सभी करना, लेकिन जो जो पेट है वो तुम देख लो, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या गांधीनगर, उसके बाद तुम्हारा क्या मुंबई, फिर तुम्हारा पुणे वाला भी आता है बोर्ड एग्जाम में, उसके बाद हैदराबाद, बेंगलुरु, उसका चेन्नई और तुम्हारा थिरुवनंतपुरम, ठीक है, इतना हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तुम्हारा लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये तुम्हारा चैप्टर सिलेबस में नहीं, पर इससे तुम्हारे मैप आ रहा है, ठीक है, मैप एक नंबर का आ रहा है, चैप्टर नहीं पढ़ना तुम्हें, मैप में क्या कह रहा है तुम्हारा लोकेट एंड लेवलिंग, तुम्हारा मेजर सीपोर्ट, मेजर सीपोर्ट में तुम्हारा क्या क्या है, तुम्हारा सबसे पहले कंडला है, मुंबई है, मरमगांव है, न्यू मैंगलोर है और तुम्हारा कोची इंपॉर्टेंट है, कोची से नहीं आता क्वेश्चन, कोची से क्वेश्चन आता है, इसमें गोल है उसमें क्वेश्चन आता है। फिर तुम्हारा अब करना तुम्हें साहब जो गोल है वो पहले कहना भाई, पेट है बोर्ड में छपने वाला, गारंटी के साथ बता रहा हूं भाई, इससे बाहर आ गया ना भाई जो बोलो सो 10,000% गारंटी इन मैप्स की, मैं तुम क्लियर करो, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने सीबीएसई के ऑफिशियल सोर्स से निकाला, मैं तुम क्लियर कर दूं, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है त्रिकोटीन, फिर चेन्नई, फिर विशाखापट्टनम इंपॉर्टेंट है, पारादीप इंपॉर्टेंट है, हल्दिया, ये तीनों पेट है भाई, ये तीनों तुम्हारा विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और तुम्हारा कोची, ये सीबीएसई का फेवरेट है, मैं तो क्लियर कर दूं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, उसका तुम्हारा क्या है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तुम्हारा सबसे पहले अमृतसर वाला राजासांसी श्री गुरु रामदेव वाला एयरपोर्ट है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा दिल्ली में तुम्हारा इंदिरा गांधी, ये सब कम आते हैं, तुम्हारा मुंबई में तुम्हारा छत्रपति शिवाजी, फिर तुम्हारा चेन्नई में मीना बक्कम, फिर कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और तुम्हारा हैदराबाद में तुम्हारा राजीव गांधी, ये सारे एयरपोर्ट है, कभी कभी आते हैं, जनरली नहीं आते, इतना तमिलनाडु, अब तमिलनाडु में तुम बोला भैया हमने तो बहुत कुछ याद रहा, हमें पता ही नहीं कोल माइन तमिलनाडु में क्या, तुम्हें ध्यान रखना कि तुम्हें तमिलनाडु में सबसे नीचे तुम्हारा कौन सा कोल माइन है, तुम बोलोगे कि तमिलनाडु सबसे नीचे यहाँ पर इस साइड है सबसे नीचे, तुम्हें पता होना चाहिए कि सबसे नीचे तमिलनाडु नवेली वाला कोल माइन है, तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए, तुम्हें नहीं बोलेगा कि नवेली में मार्क कर दो कोल माइन नवेली कौन, मार्क नवेली कौन, नहीं तुम्हें बोलेगा तमिलनाडु में कौन सा कोल माइन है उसको मार्क करो, तो ये तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा, तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा चीज कौन से स्टेट में, तुम नाम तो याद रखो ही साथ में तुम्हें ये भी पता, अब जैसे तुम थोड़ा सा आगे हो, जैसे मैंने तुम्हें यहां पर बता दिया, यहां पर तुम्हें बोला था कि तुम्हें बोला था कि मैंने हल्दिया पोर्ट तुम्हें बोला था, उसके बाद तुम्हें बोला था कि विशाखापट्टनम, अब बोलेगा कि ए सी पोर्ट इन विशाखापट्टनम, अब बोलेगा कि सी पोर्ट कौन सा ऐसा सी पोर्ट, बोलेगा ए सी पोर्ट इन इन अरुणाचल प्रदेश, अब विशाखापट्टनम वाला सी पोर्ट अरुणाचल प्रदेश में, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि विशाखापट्टनम एक सी पोर्ट विशाखापट्टनम जो अरुणाचल प्रदेश में, अब तुम बोलोगे भैया हमें तो विशाखापट्टनम याद करके गए थे, विशाखापट्टनम तो पूछा ही नहीं हमसे, हमसे बोला अरुणाचल प्रदेश, तुम स्टेट का नाम याद करके रखना भाई कि कौन सा स्टेट में कौन सा, तुम्हें दिमाग लगा के रखना, जब तुम मार्क करोगे ये सारी चीज, जब तुम मैप में ये सारी चीजें मार्क करोगे बुक में, तुम्हें स्टेट ध्यान में रखना कि कौन सा चीज कौन सा स्टेट में, जैसे तुम्हारा डैम है, कोई डैम उठा लो, तो थोड़ा ऊपर आओ तुम, यहां पर डैम उठा लो, जैसे तुम्हारा सलाल डैम, तो सलाल डैम तुम्हारे जम्मू कश्मीर में और ये चेनाब इंडिया रिवर के बगल में, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए ये चेनाब इंडिया रिवर के बगल में, ठीक है, मैं बोल दूंगा सलाल डैम, जब तुम बोलो भाई सलाल डैम तो नहीं पूछा, चेनाब इंडिया रिवर के बगल में सलाल डैम है, सलाल डैम बोलेगा ए डैम बिल्ड ऑन रिवर चेनाब इंडिया, अब चेनाब इंडिया, अब तुम बोलो भाई चेनाब इंडिया क्या, हमने सलाल डैम सुना था, भाई साहब तुम्हें पता होना चाहिए कौन से रिवर के बगल में, तुम्हें स्टेट पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट में, अब बोलेगा डैम इन जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर तुम घूमते रहो, तुम लोग बोला हमने तो डैम याद किया, हमें क्या पता जम्मू कश्मीर कौन सा डैम है, तुम्हें स्टेट पता होना चाहिए, ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो भाई, नहीं तो तुम बोर्ड एग्जाम फंसोगे, मैं नहीं चाहता मेरे चैनल कोई बच्चा फंसे बोर्ड एग्जाम में, गारंटी वाली बात है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, ये बात प्रॉब्लम प्रोमिनेंट वाली बात है। उसके बाद तुम देखो तुम्हारा किया मैप किया कैसे जाता है, पहले तुम लोग क्लियर करो मैप तुम्हारा किया कैसे जाता है, मैप करने का तरीका होता है मैं तुमको बता रहा हूं, अगर तुम्हारा टॉपर कोई बच्चा रहेगा तो वो मैप कैसे करेगा तुमको बता रहा हूं, मैप करने का तरीका होता है, देखो जैसे तुम कोई भी टॉपर बच्चा रहेगा, पहले तुम देखो टॉपर बच्चा रहेगा, सबसे पहले देखो हिस्ट्री में तुम्हारे क्या है, हिस्ट्री में दो मैप आएंगे तुम्हारे,
ठीक है। और तुम्हारे जियोग्राफी में अगर चार मैप टोटल रहेगा उसमें तुम्हें तीन करना रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री में तुम्हें डायरेक्ट रहेगा, हिस्ट्री में तुम्हें डायरेक्ट दिया होगा डायरेक्ट, हाँ भाई ये पूछा गया ये करना, ये तुम्हें बोला जाएगा कि कांग्रेस सनिज्म सब कुछ दिया रहेगा। इसमें तुम्हें कैरेक्टर पहले ए मार्क किया रहेगा एक, यहाँ डैश दिया हुआ रहेगा, फिर बी मार्क किया हुआ रहेगा एक डैश दिया रहेगा। पहला पूछा रहेगा तुम्हें ए वाला में पूछा रहेगा कि नेम नेम द नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1920। अब टॉपर क्या सोचा, टॉपर का स्ट्रेटेजी सोचा, टॉपर क्या सोचता है। अब कोई टॉपर बच्चा रहेगा तो टॉपर बच्चा क्या करता है, देखो तुमको बता रहा हूँ मैं, तुम्हें टॉपर बच्चा क्या करता तुमको बता रहा हूँ। टॉपर बच्चा को सबसे पहले पता रहेगा नो ऑल स्टेट्स, उसको सारे स्टेट का नाम पता रहता है, सब कुछ टॉपर को पता रहता है। देखो सुनो, उसको पता रहेगा कि यहाँ जम्मू कश्मीर है, उसको यहाँ पता रहेगा यहाँ तमिलनाडु, उसको ये पता रहेगा यहाँ गुजरात है, उसको ये पता रहेगा यहाँ आंध्र प्रदेश है, उसको ये पता रहेगा यहाँ पर तुम्हारा यूपी है, यहाँ नोएडा है, उसको सब कुछ पता रहता है भाई, सब कुछ उसे क्लियर रहता है, इसलिए वो टॉपर रहता है। टॉपर कोई भी बच्चा को सारी चीजें पता है कि भाई कौन से स्टेट में क्या है, कौन सा स्टेट कहां पर है, तो वो क्रैक कर लेगा मैप को। मैप को क्रैक करने के लिए पहली चीज तुम्हें स्टेट पता होना चाहिए, ये नहीं कि ऊपर में था सलाल डैम, नो, तुम्हें पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर से तुमको रिलेट करना होगा उसको, क्लियर वाली बात है। अब तुम लोग आगे सुनो, आगे तुम्हारा क्या नेम नेम द नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन, भाई साहब इसकी 200% गारंटी, भाई कितना गारंटी ले लो, कांग्रेस सेशन से मैप आता है। अब तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारा क्या बोलेगा 1920, अब तुम्हें यहां दिया होगा ए करके, अब ए का ये वाला तुम्हें दिया होगा ए अड्रेस। अब कांग्रेस सेशन का प्लेस बता, यहां दो कांग्रेस सेशन यहां नागपुर में भी हुआ था 1920 में, और एक तुम्हारा हुआ था कलकत्ता। अब जो तुम्हें कॉमा देखे तुम्हें डैश दिया हो तो कोलकाता का तरफ, टॉपर देखे तो वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में डॉट मतलब कोलकाता होगा, तो टॉपर कोलकाता लिख के चला आएगा, ठीक है। फिर बोलेगा था प्लेस वेयर गांधी महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ, अब तुम्हें पता ही कि वो डांडी में क्या था, डांडी गुजरात में था। अब तुम टॉपर देखा गया डांडी दिया हुआ है, डांडी का मतलब टॉपर ने देखा डैश दिया हुआ, डैश कहाँ गुजरात पे डैश है, गुजरात में कहा डांडी है, तो डांडी में डांडी लिख के चला आएगा वो। अब तुम जब जियोग्राफी में आओगे यहाँ तुम्हारा गेम पलट जाएगा भाई, यहाँ तुम्हारे साथ होगा प्रॉब्लम। यहाँ बोलेगा कि एक कोल माइन इन तमिलनाडु, अब तुमको फंस जाएगा भाई, टीचर फंस गया, अब बच्चा फंस जाएगा यहाँ पर। अब बोलेगा कोल माइन इन तमिलनाडु, यहाँ पर बच्चा भी कंफ्यूज, कोल माइन इन तमिलनाडु, अब भैया इतने कोल माइन पड़े थे तमिलनाडु में, नहीं पता था हमें क्या है। तुम्हें पता करना चाहिए कि तमिलनाडु में तुमने कोयल माइन पढ़े, कोयल माइन में नवेली एक कोयल माइन है जो तमिलनाडु, तुम बोल रहे भाई हमने नवेली तो पढ़ ली थी लेकिन हमें याद नहीं कि तमिलनाडु, तुम्हें पता होना चाहिए कौन से स्टेट में, इसी में फंसेगा बच्चा, ये लेटेस्ट सिलेबस का भाई, तुम फंस जाओगे नहीं करोगे तो। तुम्हें पता होना चाहिए कौन से स्टेट में, ठीक है। उसके बाद एक डैम बिल्ड ऑन रिवर चेन ऑफ इंडिया, अब तुम बोलोगे भैया चेन ऑफ इंडिया, अब तो मैंने तो कई बार बोल चुका आपने अपने अपने चैनल पर, कई बार बताया बच्चों को कि भाई साहब चेन ऑफ इंडिया जो है वो सलाल डैम रिवर डैम बना हुआ, सलाल डैम उस रिवर चेन ऑफ इंडिया पे बना हुआ, तो तुम्हें पता होना चाहिए सलाल डैम। अब बोलोगे टॉपर बोलेगा भैया सलाल डैम तो पता चलेगा, सलाल डैम कहां पर है, तो तुम्हें यहां पर लिखोगे, तुम्हें मार्किंग भी नहीं रहेगी, तुम्हें कुछ नहीं रहेगा, ये सब कुछ नहीं रहेगा, तुम्हें सिर्फ मैप रहेगा, तुम्हें यहां बताना होगा कि जम्मू कश्मीर में तुम मारोगे, ठीक। तुम बोलोगे यहां पर यहाँ सलाल डैम है, सलाल डैम है, सलाल डैम इस तरीके से लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। और तुम मार्किंग भी कैसे करोगे, मार्किंग भी करने का तरीका होता है, जैसे तुमने क्या किया सलाल डैम तुम्हें कैसे लिखा, पहले देखो सलाल डैम, अब ये क्वेश्चन नंबर टू था, तुम्हें लिखना होगा 37 का बी था, 37 क्वेश्चन नंबर बी, उसका टू नंबर क्या होगा, सलाल डैम SALL सलाल और डैम, इस तरीके से तुम्हें लिखना है, ठीक है। तुमको पता होना चाहिए इस तरीके से लिखना है, और ये तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इसका मार्किंग सही तरीके से तुम्हें करना इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से लिखना है तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। उसका तुम्हें बोलेगा नोएडा सेक्टर टेक्नोलॉजी पार्क, अब तुम्हें पता नोएडा सर मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट नोएडा, तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई नोएडा सेक्टर टेक्नोलॉजी पार्क यूपी में, टॉपर बोलेगा भाई यूपी में, अब तुम बोलेगा भैया यूपी में टॉप सॉफ्टवेयर पार्क, तो यहाँ पर चलो ठीक है, यहाँ आंसर दिया होगा नोएडा सॉफ्टवेयर पर टेक्नोलॉजी पर, यहाँ पर क्या भैया हम यहाँ पर मार दो तो हमारे नंबर कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, अगर सेम स्टेट में रहेगा तो नहीं कटेंगे, अब तुम यहाँ का जगह यहाँ मार दोगे तो कट जाएंगे, लेकिन अगल बगल अगर तुमने मारा तो भाई नहीं कटेंगे नंबर, जैसे मान लो यहाँ पर है तो यहाँ पर तुम्हारा हल्का घसका के यार यहाँ मार दोगे ना, सेम स्टेट में अगर रहा स्टेट अगर सेम रहा, जैसे तुम्हारा तमिलनाडु में नवेली डैम है और नवेली यहाँ पर, तुम यहाँ मार दोगे तो कटेगा नहीं नंबर, बस थोड़ा बड़ा ये नहीं कि तुम ये नवेली यहाँ पर तुम बोलो भैया हम तो यहाँ मारेंगे तो नंबर कटने हैं भाई, ठीक है, क्लियर वाली बात है। फिर तुम्हारा क्या है, लार्जेस्ट नेचुरल मेजर सी पोर्ट लोकेटेड इन आंध्रा प्रदेश, अब तुम्हें नहीं बोल रहा कि आंध्रा प्रदेश, अब यहाँ पर देखो विशाखापट्टनम सी पोर्ट की बात हो रही है, तुम बोलो भैया हमने तो विशाखापट्टनम सी पोर्ट पढ़ा था, भाई साहब तुम्हें स्टेट पता होना चाहिए विशाखापट्टनम वाला सी पोर्ट तुम्हारे किस स्टेट में, तो ये तुम्हारे साथ खेल हो जाएगा, प्रॉब्लम वाली बात है, तुम्हें पता होना चाहिए कि विशाखापट्टनम, तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुमने देखना तुम दिमाग लगाओगे भैया पूरा पूरे मैप में आंध्र प्रदेश में कौन सा सी पोर्ट था, तुम बोलोगे विशाखापट्टनम में तुम फिर यहाँ का डॉट दोगे, यहाँ लिखोगे तीन नंबर का विशाखापट्टनम, चार नंबर का, तो तुम्हें पता टॉपर सब कुछ जानता है, टॉपर नो ऑल स्टेट भाई, सब पता रहता है टॉपर को, टॉपर गेट टिके पहले तो तुम ठीक जान जाओ, ऐसा नहीं टॉपर जानता, तुम अगर जान जाओगे तो तुम टॉपर बन जाओगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा स्टेट में कौन सा चीज है, ठीक है, इतना पता नहीं, इतना अगर तुम कर लोगे भाई मैप में तुम्हें महारत हासिल हो गई भाई, पर तुम्हें स्टेट याद रखना है कौन सी चीज़ें, मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे का नंबर कटे, प्लीज यार मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे का नंबर कटे, अगर तुम इतना कर लोगे भाई तुम्हें टॉपर बन जाएगा, अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज यार मेरी वेरी रिक्वेस्ट रहेगी तुमसे। और भाई साहब अगर तुम्हें SST पेपर लिख नहीं देखते तो भाई यहाँ वीडियो दी हुई है, यहाँ पर तुम क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पूरा SST का पेपर हमने लिख दिया, पूरा का पूरा पेपर लिख है, यहाँ तुम क्लिक करके देख सकते हो, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में।